अब मेरी वॉइस आ रही सबको? हाँ हेलो, कॉपी किया, मैंने क्या लिखा, H1 H2 हेडिंग डाल दी, देख पा रहे हैं हेलो ग्वालियर। सेंटर ला दिया, छेड़ दिया मैंने H1। हेलो बंद कर दिया, हाँ बाकी लोगों का आवाज आ रही मेरी, अब बताओ। देखो इतना मैं लिख लिया सिंपल सा, हेलो ग्वालियर, एक बीच में डाल दी मैं सेंटर ला के, ठीक है ना ग्वालियर। तो टाइम पे नहीं आते, टाइम पर आया करो सब लोग, है ना, 6:02 या 3 मिनट पे क्या स्टार्ट कर देता हूँ मैं, डिस्टर्ब होता है मेरे बीच में। 6:02 या 3 मिनट पे स्टार्ट हो जाती है क्लास, यानी कि 6:05 6:10 पे आप लोग आते हो, तो टाइम पर आए सब लोग। चलो लिंक मिल गई, हाँ लो लिंक, आप सब देखें। मैंने एक सेंडटेक लगाया, उसमें लिखा H1 हेलो ग्वालियर, फिर लिखा H2 फिर पैराग्राफ ले लिए, H2 लिखा पैराग्राफ ले लिए, ठीक है आप देख पा रहे होंगे। तो अभी मैं ब्राउजर पे रन कर रहा हूँ, तो आपके सामने ये क्या दिख रहा है सब लोग, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको, बाकी लोगों को एक स्ट्रक्चर सो रहा है ना, पहले ये स्ट्रक्चर आप नोट करना, आप लोग ये नोट करो, आप लोग एक अलग बना लो फाइल, एक अलग बना लो फाइल सब लोग, उस पर नोट करो। जैसे आज डेट कितनी है ना, आज 5 है ना, तो 5.html कर लो, और ये अंदर आप कुछ भी लिख देना, ये अंदर आप कुछ भी लिख देना, है ना, तो सेंटर टैग फिर H1 हेलो ग्वालियर फिर H2 पैराग्राफ लिखना है ना जी, इसको इसी को कॉपी पेस्ट कर लेना आप लोग, इसी को ही आप नीचे कॉपी पेस्ट कर लेना। यहां पे लिखा मैंने हेडिंग टैग और एक हेडिंग एक पैराग्राफ, ये मैंने काम किया अभी, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे क्या करना है, क्लाइंट ने मुझसे लास्ट में क्या कहा, क्लाइंट ने मुझसे इस हेडिंग का कलर चेंज कर दो, इस पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड लगा दो और कलर दे दो, है ना। ये काम किसने बोला मुझसे करने के लिए, क्लाइंट ने बोला ये काम। तो हम किसका यूज करते हैं, इनलाइन CSS का। अभी तो हम क्या लिखते हैं, स्टाइल। अब देखो मैं सबलाइन पे काम कर रहा हूँ, वैसे VS कोड पे काम कर रहा था ना, आज सबलाइन पे काम कर रहा था, आप लोग तो VS कोड भी करो। स्टाइल कलर रेड, यहाँ पे देखना हमारा ऐसा कलर कैसा हो जाएगा,
रेड हो गया। अब इसके बाद पैराग्राफ, मैंने आप लिखा स्टाइल, अब देखना चलो बैकग्राउंड मैंने कर दिया ब्लैक, इससे क्या होगा जो हमारा बैकग्राउंड है वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। देखो देखो ब्लैक हो गई, तो मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं क्या लिखूंगा, कलर वाइट, वाइट वाइट हो गया, सब देख पा रहे हो। अब मुझे क्या करना है, इस हेडिंग का फॉन्ट साइज बड़ा करना है। जी आपको हेडिंग दिख रही हेलो वाली, इसका मुझे फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करना है। तो अपन क्या यूज करेंगे, H1 के अंदर स्टाइल फॉन्ट साइज भी मैंने 50 पिक्सल बड़ा हो गया फॉन्ट साइज, और ज्यादा बड़ा करना है तो 60 पिक्सल कर दो हो गया। फिर मैं इसे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, दे दी मैंने ब्लू, ठीक है, और इसका कलर मैंने क्या कर दिया वाइट। तो ये अपन कौन सा सीएसएस यूज कर रहे हैं बताएगा, इनलाइन सीएसएस। कैसे मालूम पड़ता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर टैग के अंदर ही तो यूज कर रहे हैं इनलाइन सीएसएस को, सबको दिख रहा होगा पर्टिकुलर में इसी टैग के अंदर लगा रहे हैं। देखो इतना बात क्लियर हुई, इतना पॉइंट क्लियर हुआ सबको। तो अब पहले इतना नोट करो। तो अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा देखो नई चीज सिखाने वाला हूं आपको यहां से। तो ये हमारा था इनलाइन सीएसएस, ठीक है। अब इसके बाद देखो इनलाइन सीएसएस आपको मालूम पड़ गया किस तरीके से काम करता है। अब इसके बाद कुछ सिंटैक्स होते हैं, जैसे बी, बी क्या करता है पता होगा, बी से होता है बोल्ड, बी से का यूज करते हैं बोल्ड करना। देखो दिख रहा है आपको यहां पे, देखो ये बोल्ड हो जाता है। ऐसे एक होता है बी आर, बी आर का यूज क्यों करते हैं, लाइन ब्रेक करने के लिए, है ना, लाइन को ब्रेक करने के लिए। देखो जो दिखाता हूं कैसे, मैंने यहां पे लिखा यू, ठीक है, यू लिखा, यू लिखा हेलो बंद कर दिया और रिफ्रेश किया। देखो यू से क्या आ रहा है, यू से आता है अंडरलाइन, यू से क्या आता है अंडरलाइन आता है। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो वाला जो नीचे आए तो मैं क्या करूँगा, इनके बीच में क्या लगा दूंगा, एक वी आर टैग, वी आर से क्या होता है न्यू लाइन, है ना, ब्रेक हो जाता है लाइन। देखो तो न्यू लाइन से आ गया। अब आप चाहते और स्पेस आ जाए तो हम एक वी आर टैग और लगा देंगे लाइन ब्रेक करना, आगे भी अटैक। यू से क्या होता है अंडरलाइन होता है, ठीक है, ऐसे एक होता है। इसके बाद एच आर, एच आर से क्या आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो यहाँ पर देखो लाइन आ गई एच आर से हमारी, सालों देख पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे एक टैग होता है यहाँ पे, मैं एक टैग लिखता हूँ यहाँ पे एस थ्री, अभी नोट मत करो सिर्फ समझो ना, आज बेसिक वाला जो पढ़ा हुआ पार हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में थोड़ा हम एडवांस चीज बढ़ेंगे स्टाइल। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है सिंपल लिखा मैंने यहाँ पे बेसिक सा हेलो ग्वालियर, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ स्टाइल या लाइन ब्रेक करना। देखो लाइन में देखो ब्रेक हो गया नीचे, अब मैंने लिखा यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इससे क्या होगा अब ये हेलो ग्वालियर सेंटर में आ जाएगा। देखो सेंटर में आ गया हेलो ग्वालियर, क्या यूज किया मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अगर मुझे टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो मैं किसका यूज करूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर का, और एक और होता है टेक्स्ट अलाइन राइट, राइट में चला जाएगा। देखो राइट पहुंच गया, और एक होता है टैक्स अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट ही चलता है हमारा, लेफ्ट जो होता है वो तो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, लेफ्ट हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है। और एक होता है बताता हूँ, एक होता है जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं इसको,
तो हमें हर बार यूज करना ही करना होगा आगे चल के। जैसे मैंने लोग एक पैराग्राफ यूज किया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ नीचे, तो आप सबको ये पैराग्राफ दिख रहा है, ये पैराग्राफ है ना। तो मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा छोटा करता हूँ। तो आप एक चीज देखो, ये से कंटेंट सी लिखा हुआ है, देखो अलाइन में है कहीं पैराग्राफ, देखते हैं आप लोग बताओ लाइन में है कहीं। अब देखो यहाँ से तो एक लाइन में आ रहा है, एक के नीचे एक के नीचे एक, पीछे यहाँ पे कहीं ऐसा आ रहा है, देखो इस साइड देखो सब लोग लास्ट में देख पा रहे हो, देखो ये टेढ़ा, ये कुछ गैप देख रहे हो पीछे से, दिख रहा है आप लोगों को पीछे से गैप, राइट साइड देखो राइट साइड। सोचो और आपने ऐसी वेबसाइट बनाई है ना, आपकी पैराग्राफ पढ़ रहा है वो, तो कहोगे ये एक पैराग्राफ अलाइन में नहीं सही तरीके से है ना। तो अपन इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे जी मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे अपन यूज करते हैं टैक्स अलाइन जस्टिफाई, यूज करेंगे टैक्स अलाइन जस्टिफाई। अब देखना इससे क्या होगा, हमारा पैराग्राफ बिल्कुल सही हो जाएगा, देखो देखो देख रहा सही अद्धा दोनों देख लो। अब ये वाला ऊपर वाला पैराग्राफ देख लो और नीचे वाला पैराग्राफ देख लो, दिख रहा है अंदर दोनों में सब लोग, ये देख लो और ये देख लो, अलाइन हो गया। देखो राइट से भी अलाइन है और लेफ्ट से भी अलाइन है, देख पा रहे हैं। तो किसका यूज करते हैं हम, टैक्स अलाइन जस्टिफाई का, ठीक है टैक्स अलाइन जस्टिफाई। अभी नोट बंद करना पहले थोड़ा समझ लो, पहले मैंने क्या लिखा, बी से हम क्या यूज करते हैं बोल्ड करना, बी आर से लाइन ब्रेक के लिए यूज करते हैं, यू से होता है अंडरलाइन, एच आर से हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और फिर टैक्स अलाइन सेंटर देखा है ना, सेंटर में करने के लिए, राइट में करने के लिए, लेफ्ट में करने के लिए, और फिर टैक्स अलाइन जस्टिफाई से अपन क्या करते हैं वो अपन ने समझ लिया। यू का यूज अपन क्यों करते हैं, अंडरलाइन करने के लिए। कितना पॉइंट क्लियर हुआ मेरा आपको जी? हाँ जी, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही, बोलो। हाँ देखो देखो, अब देखो इससे क्या सेंटर में होगा, ये क्या लिखा हुआ, क्या क्या सेंटर में होगा पढ़ो, क्या लिखा है, नहीं, इतना ये क्या लिखा था पढ़ो, इतना इतना टैक्स, टैक्स सेंटर में होगा ना। अब इस सेंटर से क्या होगा, अगर ये सेंटर टैग यहाँ से मैं कट करके अगर यहाँ लगा दूँ इसके नीचे, तो आप बताओ क्या होगा, पूरा सेंटर में आ जाएगा सब कुछ। मैंने क्या किया, तो सेंटर यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ बंद कर लिया, तो पूरा क्या होगा, तो सब सेंटर में आ जाएगा, देखो आगे सेंटर में ही सब कुछ, देख पा रहे हो, दिख रहा है मेरी बात, समझ आ रही है ना। सेंटर से क्या होगा, जितना कुछ आपको सेंटर में करना है वो सब सेंटर के अंदर रख लो। अब यहाँ पे मुझे अकेला क्या करना था, सिर्फ इसी हेलो ग्वालियर को करना था सेंटर में है ना। और इस सेंटर टैग मैंने पहले इसलिए सिखाया था ना, क्योंकि पहले अपन ने इनलाइन सीएसएस नहीं सीखा था, पहले अपन को सीएसएस नहीं बताती ना क्या होती है ना। तो इसलिए पहले मैंने क्या सिखाया कि सेंटर टैग भी यूज होता है, मगर सेंटर टैग हम तब यूज करते हैं जब बहुत सारी चीजों को हमें सेंटर में करना हो एक साथ, तो अपन सेंटर टैग लगा लो। जब पर्टिकुलर कोई लाइन कोई हेडिंग को सेंटर में करना है ना, तो फिर क्या यूज करोगे, टैक्स अलाइन सेंटर। बात क्लियर हो गई, समझ आ गया है ना। तो इसको मैं यहां से कट करके वहीं लगा देता हूं। अब ये नोट करो आप लोग वाला पार्ट, तो और बताता हूं, जब कोई सिंगल टैक्स को सेंटर में करना है तो टैक्स अलाइन सेंटर लगाओ, जब बहुत सारा सेंटर में करना है। अब जैसे मुझे पूरा पार्ट सेंटर में रखना है तो मैं क्या करूंगा, एक सेंटर यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। इमेज को सेंटर में करना है तो सेंटर का यूज करूंगा अभी आगे चल के, ठीक है नोट करो थोड़ा, क्योंकि काम नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल सा, पीटे लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है
टी टैग के अंदर मैंने कुछ ही लिख दिया सिस्टम। एक पैराग्राफ में था पार्ट डाल दिया, इसको मैंने ब्राउजर पर रन किया सिंपल, आप समझना पूरा अच्छे से। देखो जी पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है, सबको दिख रहा होगा। अब इस पैराग्राफ के अंदर मैं थोड़ा पैराग्राफ और डाल देता हूँ, मैं जितने टैग यूज सबको सिखा देता हूँ। मैं थोड़ा और डाल दिया ठीक है, और एक हेडिंग ले ली मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको अच्छे से। सिंपल सा अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ बीच में लिखा, मैंने लिखा लिखा फी 1500 रुपये ठीक है, और यहाँ बीच में लिख दिया ग्वालियर ग्वालियर। अब बीच में मैंने कहीं लिख दिया मांगे चलो MITS, और यहाँ पे कहीं लिख दिया मांगे चलो बीच में ITM ठीक है, ये कुछ लिख दिया। अब यहाँ पे सो रहा होगा, अब बताओ कहीं आपको दिख रहा है MITS कहाँ लिखा है, ITM कहाँ लिखा है, पैराग्राफ में कहीं दिख रहा है अच्छे से, ढूंढना पड़ रहा होगा जाके है ना, देख रहा होगा फीस 1500 है, फिर आप जाके ढूंढोगे इसमें MITS कहाँ लिखा है ना, पूछा लोग जी लिखा है ग्वालियर है ना, ऐसे ढूंढना पड़ रहा है सबको है ना पॉइंट, अब है ना ITM जी लिखा हुआ है। तो क्लाइंट ने कहा, जो क्लाइंट था उसने कहा यार ये जो उसमें जो मेन मेन चीज़ है ना, ऐसे फीस 1500 रुपये वेब डिजाइनिंग की है ना, ग्वालियर MITS ITM थोड़ा हमको बोल्ड करो। जैसे आपने देखा है कभी देखा होगा मूवी, जैसे वेबसाइट अपन ओपन करते होगे या कोई टेम्पलेट होती है ना, उसमें जो हेडिंग जो मेन मेन चीज़ होती है उसमें थोड़ा बोल्ड कर देते हैं हम लोग, जैसे फीस इतनी है इसकी, टाइम उसका इतना, ये बोल्ड कर देते हैं जिससे दिख सके चीज़ें आसानी से है ना। देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फीस पे लगा दिया बी टैग, बी का काम क्या होता है बोल्ड करना, देखो ये लगा दिया बी से बोल्ड, और इसका एफ कैपिटल। लेकिन अभी आपको यहाँ पर देखिएगा आप दिख रहा है, मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, किया तो दिख रहा है आप 1500 रुपये, अब दिख रहा होगा अच्छे से 30-1500। अब क्लाइंट ने कहा एक काम करो, अभी भी दिख रहा है अच्छे से, तो एक काम करो थोड़ा कलर दे दो इसमें, मैंने इसमें कलर दे दिया रेड, लो अब थोड़ा और हाईलाइट हो जाएगा अच्छे से, हाईलाइट हो गया अच्छे से। ऐसे मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके मैंने ग्वालियर को भी कर दिया, कहाँ चला गया ठीक है, इसको मैंने पी लगा दिया, लगा दिया पी लगा के इसको भी बोल्ड कर दिया ठीक है। जैसा बी समझ आपको आएगा, बी का रोल क्या है यहाँ पे, स्टाइल कलर ब्लू कर दिया ठीक है, मैं दो कर देता हूँ इधर थोड़ा स्पेस दिया, इसका जी कैपिटल कर दिया, दिख रहे हैं अब तो दिख रहा होगा ना, ग्वालियर और फीस दिख रही है सबको, बोलो भाई तो साफ साफ दिख रहे हैं ना, बीस से बोल्ड हो गया। अब मैंने एक काम कर लिया, अब क्लाइंट ने कहा एक काम करो इसके नीचे अंडरलाइन लगा दो, अंडरलाइन तो मैं इसी के नीचे अंडरलाइन लगा देता हूँ, मैंने कहा यू यू टैग से क्या होता है अंडरलाइन आता है, यू टैग स्टार्ट किया और यू टैग बंद कर दिया, अब देखो अंडरलाइन आ जाएगा इसके अंदर, देखो अंडरलाइन देखो ये यू से क्या हो गया अंडरलाइन हो गया, समझा ये तो बताया बी से होता है बोल्ड और यू से होता है अंडरलाइन है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक HR और लगा दिया HR, और यही पैराग्राफ उठा के फिर पेस्ट कर दिया ये सेम नीचे से। अब देखो आप लोग HR से क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, दिख रहा होगा सबको HR से हॉरिजॉन्टल लाइन आती है ना। अब और देखो, अब मैंने यहाँ पे ऊपर चल के यहाँ पे लिखा एक H1 लिखा PN प्रोसेस PN कर दिया, वो आ दिया और ये बंद कर दिया। और मैंने इसी PN पे क्या किया,
स्पैन लगाया, ठीक है, टैक्स अलाइन सेंटर कर दिया, इसको भी कलर दे दिया रेड, तो आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये ग्वालियर नीचे आ जाए, इसके पीएन के नीचे ग्वालियर आ जाए, सब लोग समझ लो पीएन के नीचे ग्वालियर आ जाए। तो मैंने इस पीएन के बीच में क्या लगा दिया, एक बीआर टैग लाइन ब्रेक, है ना। बीआर से क्या होगा, इतना भी सब लोग आ गया नीचे लाइन, न्यू लाइन पे आ गया ग्वालियर, बीआर ब्रेक लाइन करना होता है। और एक बीआर और लगा दूं तो और स्पेस आ जाएगा उनके बीच में, समझ आ रहा है बीआर का मतलब, रिप्लाई तो दो ना, ब्रेक लाइन मतलब, है ना। अब एक पॉइंट हो रहा था सबसे मेन, बहुत समझो। अब मान के चलो क्लाइंट ने कहा कि पीएन का कलर, या मैं यहाँ नीचे आता हूँ, तो ये एचआर समझ में आ गया एचआर का यूज क्यों करते हैं, साइलो, है ना। हाँ, अब मैंने यहाँ पे एक काम लिखा, मैंने यहाँ लिखा एक एच टू और लिखा पी एन जी डब्ल्यू एक ग्वालियर, ठीक है। अब क्लाइंट ने कहा कि अब पीएन का कलर, ये देख रहा सबको, ये पीएन इसका कलर अलग होना चाहिए, इसका कलर अलग होना चाहिए, ठीक है, ये दो कलर होने चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल कलर और दूंगा ब्लू, तो पूरा ब्लू हो जाएगा, देखो ये, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमें करना है रेड, ये वाला पार्ट कितना करना है, रेड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी टैग ऐसे, और यहाँ क्या लगा दूंगा, स्टाइल कलर रेड, बन गया अलग अलग कलर में दोनों। हाँ जी, कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे डाल, इसको डाके यहाँ पे ऐसे स्टाइल, तो स्टाइल टैग होता है, मैं चलेगा तो किसी के ना किसी के अंदर ही, तो ऐसे लगाओ, तो ऐसे लगाओ स्टाइल, ऐसे ऐसे, अब इसके अंदर आगे लिखूंगा ऐसे, अच्छा लगा स्टाइल किसी टैग के अंदर चलेगा ये, समझ आया। चलिए बी टैग तक लेना पड़ेगा, बी टैग के अंदर इस तरीके से लगाना पड़ेगा स्टाइल, आया समझे। अब देखो एक पॉइंट समझो आखिरी, ठीक है, ये तो आपने लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसी के नीचे आता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर तो यू लगा दो सिंपल, लो अभी तो यू पर काम किया था, तो बनना यू लगा दिया था आगे, अंडरलाइन अंडरलाइन का, हाँ जी बोलो बोलो, एक लाइन में नहीं, देखो एक, देखो हाँ, देखो क्या होता है, कंडीशन डिपेंड करती है, यहाँ पे कंडीशन क्या थी, यहाँ पे कंडीशन ये थी कि पीएन और ग्वालियर, यहाँ पे कहानी ये थी कि इन्होंने कहा कि पीएन को अलग कलर दो, ग्वालियर को अलग कलर दो, मगर होना एक ही लाइन में चाहिए, समझ आ रहा है। नहीं ये तो कहानी कि पूरा पीएन ग्वालियर रेड कर दो, इन्होंने अलग अलग बातें बोल दी, और ये भी बोल दिया कि एक गिलास में रहना चाहिए, अब ये भी बात इन्हें बोल दी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें काम ये काम करना पड़ा, क्लियर हुआ। अब यहाँ समझो, ये मेन पॉइंट है, यहाँ समझाना, सेम कहानी इन्होंने बोला पैराग्राफ में भी यही काम करो, आप पैराग्राफ के अंदर सेम कहानी आप करना है पैराग्राफ के अंदर। अब यहाँ पकड़ो खेल, देखो यहाँ क्या करोगे, कलर आपने कहा लो सर इसमें क्या टाइम है, लो हो गया, आपने उसको रेड कर दिया, रेड कर दिया, देखो रेड देख रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये पूरा रेड हो गया, इसको ब्लू ब्लू करना है। तो अब तुम क्या करोगे, तुमको कहो सर इसमें क्या है, ये लो बी टैग लगा दिया, ये लो, मगर जैसे आप बी टैग लगाओगे पैराग्राफ के अंदर, तो पैराग्राफ क्या हो जाएगा, ये बस है लो बोल्ड हो जाएगा ना, अगर पैराग्राफ के अंदर, हाँ अब वो पहले ये तो पहले पहले ये तो पहले ये तो समझ दो, है ना। अब तुम बोलोगे सर ताजमहल यहाँ लगा दो,
पहले इतनी स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, पहले ये तो पूरी लाइन क्लियर कर दो। अब देखो यहाँ पे लिखा है ग्वालियर, ये समझो ये जो समझा रहा हूँ अभी, तो अब ग्वालियर यहाँ जो बोल्ड हो गया ना बी से, क्यों सारे लोग, अब क्लाइंट बोलेगा भाई आपने बोल्ड क्यों कर दिया, ये बोल्ड नहीं करना है, वो ये रखो सेम। अब तुम बोलोगे सर ने तो यही कहा था भाई कि दो कलर देने के लिए एक बी ले लेना एक ये ले लेना, ये तो बोलोगे आप लोग सर ने तो ये सिखाया था मुझे, हमने तो हेडिंग में ऐसे किया, मगर हेडिंग में चल गया था क्योंकि हेडिंग पहले से बोल्ड होती है, मगर क्लाइंट जी बोलता है भाई ये पैराग्राफ आपको आपने बोल्ड क्यों कर दिया, बोलेगा नहीं बोलेगा, सारे लोग डिफरेंस दिख रहा था ना, मैं बोल्ड हो गया ना, बोल्ड क्यों किया भाई, बोल्ड हमने आपसे बोला है इसे कलर चेंज करो बोल्ड नहीं करो, है ना। तो अब तो हमें कोई ऐसा टैग यूज करना पड़ेगा जिसको लगाने से कुछ फर्क ना पड़े, अगर मैं यहाँ पे एक पी लगा दूंगा तो क्या होगा, समझो पॉइंट को, वो तो नीचे आ जाएगा। अब क्या करें, तो हमें कोई ऐसा टैग यूज करना पड़ेगा जिसको लगाने से फर्क ना पड़े कुछ भी, तो वो टैग होता है स्पैन। तो इसको मैं लगाऊंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, स्पैन टैग स्टार्ट किया, स्पैन टैग एंड किया, तो कुछ फर्क पड़ा लगाने से, सेम बेसिक वैसा है, सारे लोग देख पा रहे हैं ना आप लोग, वैसे ये सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो एच हेडिंग टैग पे अगर करना हो तो बोल्ड चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई पहली बोल्ड है, मगर जब आप पैराग्राफ पे लगाओगे तो बोल्ड तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा वो, तो इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्पेन लगाने से कुछ हुआ इसमें नहीं हुआ, तो अब मैं आसानी से कलर चेंज कर सकता हूँ, स्टाइल कलर ब्लू, हो गया बात समझ आई। अगर मुझे हेडिंग पे अगर कोई बोले कि भाई ये नेम है इसको दो कलम डिवाइड करो, तो कर लेना कोई दिक्कत नहीं, बोल्ड लगा दो। कोई अगर बोले पैराग्राफ के अंदर करना है तो बोल्ड तो काम करेगा ही नहीं, है ना। अब कोई बोल देता है इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दो थोड़ा, तो बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, ईज कर दिए मैंने, है ना, वो क्लाइंट की डिमांड है ना, तो बोलता है इसका ही बढ़ा दो फॉन्ट साइज होता है ना, देखे होंगे लोग होते हैं कुछ इस टाइप के, 40 पिक्सल मैंने कर दिया, ऐसा कुछ बना लेते हैं, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लाइन समझ में आई इतनी, दोनों पॉइंट क्लियर हुए, स्पेन क्या करता है और ये क्या करते हैं, बोलो भाई हाँ ना तो बोलो। अब देखो अब तीसरा पॉइंट देख लो भाई साहब को देख लो, ये लाइन चेंज करनी है, ये लाइन का कलर चेंज करना है ना, उसने बोला इसका कलर अलग रख दो, तो कहाँ पे थे हम, हाँ इसके अंदर, इसी के अंदर एक क्लास लगा दो, हाँ यू का अंडरलाइन का कलर चेंज करना पड़ेगा, तो इसके अंदर क्लास लगा दो, हाँ बोलो बोलो, हाँ क्यों नहीं सबके अंदर, हाँ कुछ भी दो जो आपका मन करे, टेक्स्ट डेकोरेशन तुमने अभी कहा ना, किसी ने कहा था ना कि इसका अंडरलाइन का कलर ब्लैक कर दो, तो फिर हमको अंडरलाइन के अंदर तो जाना पड़ेगा करने के लिए छेड़खानी उसकी, टेक्स्ट डेकोरेशन ब्लैक कर दो। अब क्या यूज किया अपन ने, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, अब पहले तो ये पता होना चाहिए टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है ना, इसी मैंने कहा ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, पहले ये नहीं पता होगा टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है ना, तो इसी अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, तो कलर चेंज हो गया, आ रही बात समझ, इतना पॉइंट क्लियर हुआ।